जी दोस्तों, हम लोग अपने बॉन फायर और म्यूजिकल नाइट के साथ आ गए दीप के साथ, और साथ में जो लंच था जो कि अब इतने प्यारे मौसम में डिनर बन चुका है, और अब हम सर्विंग करने शुरू करने लगे हैं। और आए आपको बताए हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। और जी आलू की भुजिया, वाह, और चिकन टिक्के मज़े के, चटनी इमली की, और ताज़ा ताज़ा फ्रेश नान आए आपको दिखाते हैं। आपको दिखाती हूँ लाइव जो है, आप रोटियां भी पक रही हैं, लाइव तंदूर पे रोटियां, और सब कुछ फ्रेश खाना आपको मिलेगा। कहाँ भला, ओनली सीरियल प्रोडक्शन पे। दिखाएं जी, सीरियल प्रोडक्शन की सबसे खूबसूरत शाम आप सबके नाम और भोला अली के नाम से इब्तदा करेंगे। सोना लगदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला, प्यारा लगदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला, अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। मैंने जिंदगी में पहली बार आसमान के चांद को, जमीन पे लोगों को ये हदायत देते हुए देखा है कि पहले ये रखिएगा, वरना फिसल जाएंगे तो मून के लिए भी क्लैपिंग कर देंगे। और अब सीरत की तरफ से आप सबके लिए गाना है, इसलिए सीरत के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। सीरत एंड आलिया, है ना? ठीक हो ना? वीडियो जरूर भेज दिए। सीरत ने जो वादे किए वो निभाए। सफर के ढोले लेते ढोला साडा अपने
फैसल भाई के लिए बहुत सारी तालियां, वो गिटार आ रहे हैं उधर पास आए हमारे। आता है गुस्सा मुझे प्यारी पे, मैं लुट गया मर के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूँ मैं बुराई जाके बहुत ज्यादा क्या थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कमिंग हियर। मैंने बहुत इंजॉय किया, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई केम विद द फैमिली, बहुत अच्छा आया, मजा आया। बारबेक्यू सबसे अच्छा था, ट्रैक पे जो लोग गिरे उनको ऑल द बेस्ट, जब रात को जाके सोएंगे उन्हें तब मजा आएगा, अगले दो तीन दिन तक मजा आता रहेगा उनको। और थैंक यू सो मच सीएथ प्रोडक्शन रॉक्स, एंड प्लीज आप अपने लिए भी विजिट कीजिएगा, और हरम को जरूर लेके आएगा अगली दफा, कोई धोखा मत दे अपने बच्चों को, कोई लोग जो यहाँ पे आए हैं कुछ लोग ऐसे, एंड थैंक यू सो मच। एंड वो अच्छा ओके फाइन, आई विल नॉट से, बट मेरी वजह से ट्रिप पोस्टपोन होके दोबारा रखा गया था, आपने कितना जैकेट, इतनी दफा गिरी भी है आप बर्फ में, फिर भी कैसे फील किया? सबसे ज्यादा मेरी टोपी, अस्सलाम वालेकुम, मैं तो सबसे पहले सीरत आपी का शुक्र अदा करूंगी इस चीज के लिए कि इतना इंजॉय, इतना सब कुछ अच्छा था, और मैं बहुत दफ़ा गिरी हूँ, बहुत जोर की लगी भी है, बट मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, सब जो सिंगर थे और भी ऑल ऑफ जो सब थे, बहुत अच्छा था, सबसे अंकल जो बैठे हुए हैं इनसे भी बहुत अच्छा था,
सब टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हुआ आपका भी, मैंने कहा है सिंगर के साथ भी काफी, उनका नाम है अली जेब के साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मैंने तो बहुत ज्यादा इंजॉय किया, मुझे आफ्टर सो लॉन्ग इतना मजा आया सबके साथ, बहुत बहुत टाइम बाद ऐसे निकलना हुआ है, तो इट वॉज वर्थ इट। आपका जाती है इवेंट होते ही वैसे इवेंट होते ही रहे। बहुत अच्छा लगा उन तमाम लोगों के साथ जो मेरे लिए अजनबी थे, सवाए एक दो चेहरों के सभी अजनबी थे मेरे लिए, लेकिन सबके साथ बिल्कुल फैमिली की तरह एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपने आप को आज इन सब के साथ मिलकर बड़ा यंग फील किया। आप तो बड़ा अच्छा फीलिंग आती है, घर बैठ बैठ कर तो बूढ़ा हो जाते हैं, घर में दिखती नहीं हूँ जी। अदनान आप बताएं, आप तो पहाड़ों के, हम आपको तो बोलते हैं कि क्या कमांडो कहते हैं हम आपको, आप तो ऐसे पहाड़ों पे चलते चलते कमांडो होते हैं, तो आप होमा ग्रुप बनाओ ना यार, ग्रुप तो बनाओ। सर और अच्छे सिंगर से मतलब सुनने को मिले, और हाइकिंग वॉज गुड, अच्छा था, मज़ा आया, और ऐसी ही हेल्थी एक्टिविटीज होनी चाहिए। एंड रियली थैंक्स फॉर शेयर प्रोडक्शन के, इन्होंने इतना अच्छा एक इन्वायरमेंट दिया, इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, और एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। I always prefer कि आप लोग भी अगर घरों में बैठे हुए देख रहे हैं तो you must join us. Thank you. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा भी आया, और हम तो ऐसे रोज मिलते हैं लेकिन आज का ट्रिप हमारे लिए बड़ा स्पेशल किस्म का था, और इंशाल्लाह 31st को दोबारा हम सारा कुछ करेंगे और आप लोग सब ज्वाइन कीजिएगा जी। बहल इतनी जगह नहीं है, आप तो डिफरेंट लोगों के साथ काम करते रहते हैं, और आप हमें बताएंगे आप हमारे साथ तो कैसा लगा ये आज इवेंट गुजार के। थैंक यू सो मच सीरत, सबसे पहले तो मैं वैसे पैक हो चुका हूँ, इस हालत में इंटरव्यू तो नहीं देता, लेकिन मैं सीरत बहुत प्यारी है। मैं 121 पाकिस्तान की और भारत समेत मतलब एशिया की ऐसी तंजीमें जिनके साथ टूरिज्म जो है उनके साथ जाता रहा हूँ, आप यकीन करें एक तो मुझे पाकिस्तान टूर्स के साथ बड़ा मजा आया, लेकिन आज सीरत ने अंत कर दिया पहला ही टूर और बा कमाल, मुझे गाने का भी मजा आया, और मैं बहुत दफा स्लिप होता अगर इसमें अदनान और मून ना होता, तो मून और अदनान ने बड़ा साथ दिया, बल्कि अदनान ने तो एक छोटी भी दी थी, तो लोग पूछते रहे कि तुसी आप लेती है तनु किसी ने दीती है, तो आज इतना एंजॉय किया। मैं कहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ आप सीरत के पास बुकिंग कराएं, 31st को मैं हूं ना हूं लेकिन आपने इनके साथ जरूर आना है, क्योंकि ये सच में एक ऐसी प्रोडक्शन है जो सही मानों में फैमिलीज को बेहतरीन तफरी मुहैया करती। बारबेक्यू इतना टेस्टी था, इतना औसम था कि मजा आ गया, और आज गाना गाते हुए मुझे ठंड भी नहीं लगी क्योंकि आप बोन फायर भी थी यहाँ, बहुत एंजॉय किया मैंने, मून को बहुत एंजॉय किया, और एक और खातून थी, क्या नाम था जो वीडियो बना रही थी हमारी, आसिया साहब, आलिया हो आलिया का जिक्र मैं जरूर करूंगा, आलिया बहुत अच्छी मासूम सी गुड़िया है, आफत की गुड़िया है, उन्होंने आलिया ने भी बहुत मेहनत की स्पेशली आलिया के लिए, आलिया सीरत और और स्पेशली ये जो रेस्टोरेंट है इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी वैली में, अगर आप फैमिली के साथ इस रेस्टोरेंट में आएंगे तो आपको यूं लगेगा तारे जमीन पर, वो जो घर है ऐसे लगेगा कि तारे जमीन पर हैं, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा हिल टॉप और ये होटल भी टॉप क्लास का है, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, क्योंकि सीरत ने इंतखाब किया हिल टॉप का, तो यकीनन हिल टॉप बेस्ट होटल है आपके लिए, आपके प्यारों के लिए। जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने बहुत से होटल विजिट किए थे, टेरेस विजिट किए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे नाश्ता किया पहले, मैं पहले विजिट करके गई थी कि यहाँ पे मेरे जो मेंबर्स होंगे वो कैसे कंफर्टेबल फील करेंगे, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया, मैं 3-4 होटल्स में गई और वहाँ के वेन्यू देखा, वहाँ के फूड देखे, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा हिल टॉप रेस्टोरेंट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये सजेस्ट किया कि यहाँ का बोन फायर म्यूजिक सिस्टम, खाना पीना, प्लेटें ग्लास सब साफ थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, इंशाल्लाह आप लोग भी आए तो यहाँ विजिट कीजिएगा।